अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? आज का व्लॉग शुरू करने का टाइम हुआ चाहता है। इस वक्त हो गए हैं 11 और हम तैयार होने के लिए जा रहे हैं। तैयार होने के बाद आपसे मिलते हैं। क्या हुआ अबू बकर को? किसने माला? किसने नहीं माला? दादा नहीं, अम्माने नहीं माला आपको। ऊपर बैठ जाओ आप। अबू बकर को ठंड लग रही है। चलो आप। इस वक्त हम तैयार होकर भाई टेरेस पर आ चुके हैं और देखिए मैं तैयार हो चुका हूँ और इस वक्त भाई टेरेस पे हूँ। आज धूप है, मौसम ज़रा अच्छा है तो सोचा आज ज़रा धूप लेंगे। लेकिन इससे पहले जाकर पूछते हैं नाश्ता क्या है। आज नाश्ते में क्या है बेगम? तो आज नाश्ते में है जी ये दूध और साथ है बाकर खानी। नाश्ता हमारे सामने आ चुका। इसको गप गप करने के बाद दोबारा मिलते हैं। इस वक्त हम जा रहे हैं नीचे और वहाँ से हम एक दोस्त की तरफ जाएंगे। ये हमारी लैंड क्रूजर हमारे इस्तकबाल के लिए तैयार है। बड़े दिनों के बाद आज धूप निकली है। इस वक्त हम मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं। एक दोस्त की बड़ी याद आ रही थी, बड़ी देर हो गई उससे हम मिले नहीं, तो सोचा चलो आज जाके उससे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सिद्धार्थ साहब के घर और मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम मौसम भाई। आपने मुझे बताया नहीं कि आपने व्लॉग बनाना है, तो मैं जरा अच्छी तरीके से तैयार हो जाता। मेरी रहना तो फिर भी आपने ऐसे कही है। नहीं मौसम भाई, मैंने कल लिया है मास्क नया जो आजकल मॉडर्न लोग पहन रहे हैं, तो इसमें मैंने देखा है काफी चीजें मेरे मुंह की छुप जाती हैं, इतना बड़ा मेरा मुंह है। तो और मैंने अब ये मास्क लूंगा, मैंने सोचा थोड़ा। नहीं आप व्लॉग ऐसे बनाओगे? शहजाद अली ने रखी है कुछ बकरियां। ओह माय गॉड ही इज पीइंग। यार शहजाद भाई आज आप हमें क्या खिलाने लगे हो? बस मौसम भाई कुछ भी नहीं है, चाय है, शादी चाय पिए आप बस। शहजाद ने बनाई है जी चाय और साथ बिस्किट और साथ है ड्राई फ्रूट, और चाय इसने खुद बनाई है क्योंकि बेगम साहिबा इसकी मौजूद नहीं है। और वैसे भी मुझे लगता है ये घर के काम सारे खुद ही करता है। सुबह भी मैं बेकरी खा गया हूँ। आप सर बेकरी खा दे, ड्राई फ्रूट खाएं, इससे आपका वेट बढ़ता है, फिर आपको जिम जाना पड़ता है। सही बात है, इतनी मुश्किल से पहले वेट कम किया। सही बात है यार, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हो जाएगा सर। और आप बताओ सुनाए कैसे कारोबार, ठंड का सुनाए? ठंड तो नहीं लग रही आपको ज़्यादा? नहीं 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 नहीं, आज तो ठंड है। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, आग ही ले गया तू यार। ये अंडों को ना ठंड लग गई है सिर में, नरम नरम है, छोटे बच्चे नहीं खाते जिस तरह उस तरह के अंडे हैं ये, वो ओ हावस ऐसा अंडा होता है बड़ा उबला हुआ जी, ये नरम अंडे हैं, इनसे आपकी खांसी, ये बड़ी अच्छे रेशा और खांसी आपके फेफड़ों के लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा हकीम साहब। हाँ जी, हाफ बॉइल्ड है ये, इस तरह हाफ फ्राई होते हैं ना, इस तरह हाफ बॉइल्ड भी होते हैं। अच्छा यार शिजाद भाई फिर इजाज़त दो यार, चले अब बहुत टाइम हो गया। हाँ बताओ, कुछ खाया तो आपने? है नहीं, ये देखें यहाँ यार सारी की प्लेट मुका देती है। अंजीर भी पड़ी, बादाम भी पड़ा हुआ है, मर्जी यार। यार जब मैंने खाना शुरू किया था आप कह रहे थे बस करो। हाँ बस, अब नहीं खा लेते यार। अच्छा यार ठीक है, फिर इजाज़त है जनाब। चलो कोई नहीं, तुम्हारे बाद मैं खाऊंगा जाते हुए। ओके जी, इतनी जल्दी आ जाओ वापस। आप इस वक्त मैं आ चुका हूँ घर और हमारे साथ मौजूद हैं दो नन्हे बच्चे मोहम्मद और अबू बकर। अबू बकर, मोहम्मद आप क्या कह रहे हो? अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ जी, तो वो कह रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।